हेलो दोस्तों, आज आपको ये बताने वाला हूँ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, योजना का लाभ कैसे प्राप्त होगा, इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मध्यम वर्ग के नागरिक जैसे कि श्रमिक परिवार की आत्मनिर्भरता बनना तथा अधिक लाभ पहुंचाना, श्रमिक परिवार की बेटियों के लिए शिक्षा रोजगार एवं उनकी विवाह में अधिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना दिया है और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना का ऐलान 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर में पर किया गया था। और जैसे कि इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त होगा और योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, योजना का उद्देश्य क्या है, आवेदन कब से शुरू होगा, तो दोस्तों इसके उद्देश्य क्या है, जैसे कि उद्देश्य में उद्देश्य ये है कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले मध्यम वर्ग नागरिक असंगठित क्षेत्र के नागरिक जैसे कि श्रमिक परिवार की बेटियां की शिक्षा रोजगार स्वरोजगार एवं बेटियों की शक्तियों के जो शादियों के लिए आर्थिक सहायता, मतलब कि उसके शादी के लिए उसके जो उच्च शिक्षा के लिए सहायता राशि के रूप में 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का उद्देश्य भी एक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे कि सब्जी विक्रय घेरूर कामगार नई फल विक्रेता असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार एवं आत्मनिर्भर बनाना है। तो दोस्तों यही है इसका उद्देश्य कि जैसे कि आपके घर में एक श्रमिक बना है और आपकी कोई बेटी है जैसे कि दो बेटी है, एक परिवार में दो बेटियों के यहाँ पास मिलेगा 20-20 हज़ार का, तो यहाँ पास उसकी शादी के लिए उस इच्छा के लिए और उसको एक प्रकार के रोजगार के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यही है कि इसका लाभ कैसे मिलेगा, तो यदि आप मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक होना चाहिए और छत्तीसगढ़ राज्य का नागरिक होने के साथ साथ लाभकर्ता छत्तीसगढ़ भवन निर्माण कामगार कल्याण मंडल के पंजीकृत होना आवश्यक है, जैसे कि आपका श्रमिक कार्ड बनवाना चाहिए और वो भी तथा इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे कि श्रमिकों उनकी दो बेटी, मतलब आपको बताया कि इसमें दो बेटियों तक इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इस योजना का लाभ आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं कि आप दो बेटियों सिर्फ उसमें से दो बेटियों ही प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में अभी तक लाभ प्राप्त करने की ये बेटियों की उम्र कम से कम जो बेटियों की उम्र है उससे 18 से 6 माह थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया है, ठीक है। इसका जो उम्र था पहले क्या था, 18 वर्ष से 6 माह था, ठीक है। अब उसमें 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया है और इसमें आपके डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक आपके पास पहले से श्रमिक कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जिसे श्रमिक कार्ड बोलते हैं हम लोग, मजदूर कार्ड, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पर ये कार्ड जरूरी है और यहाँ पर उसका अप्लाई कैसे करेंगे मैं यहाँ पर सबको बता दूंगा और इसके वीडियो में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका कार्ड नहीं बना है तब, ठीक है। और आपका कार्ड बन चुका है और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है, तो यहाँ पर ये चीज है। और इसका जैसे कि दोस्तों इस मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ कौन नहीं उठा सकता, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक ही उठा सकते हैं, इसके लिए अतिरिक्त अन्य कोई भी राज्य के नागरिक इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में ये भी ध्यान रखें कि छत्तीसगढ़ राज्य में जीवन यापन करने के लिए आए हुए दूसरे राज्यों के नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ राज्य के बड़े किसानों को भी इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा, इस योजना का लाभ उन्हें भी प्राप्त नहीं होगा जिसके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा हो। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यही चीज है और आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले आपको cg.nic.in लिंक पर आ जाना है, ठीक है। इसका लिंक वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। डायरेक्ट सीधा आप श्रमिक विभाग के यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट है
जिसमें इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें आप कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं और नए कार्ड के लिए। अगर आपका कार्ड बन चुका है और यहाँ पर योजना का लाभ नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि इस लिंक में आने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का मिलेगा जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर योजना, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रमिक पंजीयन, आप श्रमिक पंजीयन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसे यहाँ पर आवेदन आपको आवेदन करें और आपको पंजीयन की स्थिति देख सकते हैं, नवीनीकरण स्थिति देख सकते हैं। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज की वीडियो में देख रहे हैं कि योजना के बारे में, ठीक है, योजना के बारे में आप यहाँ पर योजना का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, योजना का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या योजना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, यहाँ पर सभी डिटेल मिल जाएगा। इसके आवेदन करने पर आपको क्लिक कर लेना है, जब आवेदन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर श्रमिक कार्ड का नंबर आपसे आपस पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको श्रमिक कार्ड का यहाँ पर अपना नंबर देना है, ठीक है, जैसे कि आप कौन से जिला से हैं उस जिला का आपको यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पंजीयन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना विवरण देखे पर क्लिक करना है, ठीक है। जब विवरण पर देखे पर क्लिक करना है तो आप यहाँ पर आपकी डिटेल निकाल कर आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि डिटेल आपको आ जाएगा और आपस राशन कार्ड, वोटर आईडी, आपका नाम, आपकी पूरे फैमिली डिटेल यहाँ पर निकाल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आपस पूरी डिटेल आपको इस तरह का निकल कर आएगा और इसमें आपको क्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपस योजना चुने, ठीक, योजना चुने पर आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आप बहुत सारा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देख सकते हैं, मुख्यमंत्री धोनी शक्तिकरण सहायता योजना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो लाभ देवे पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब यहाँ पर सबके इसमें एक चीज ध्यान देना है कि आपका यहाँ पर मेंबर पहले से होना चाहिए, ठीक है, मेंबर एड जब आपका कार्ड बनाए तभी आपका मेंबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ओटीपी आपको वेरीफाई होगा, ठीक है, और जब वेरीफाई तो यहाँ पर क्या चीज है, जैसे कि आपका कितना यहाँ पर जो मेंबर है आपके घर में फैमिली, ठीक है, उस मेंबर में आपका यहाँ पर ऐड होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दो मेंबर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़की कोई नहीं है और जिसमें लड़की है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर ये योजना का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी योजना है उस योजना के लिए यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से यहाँ पर क्या चीज है, जैसे कि यहाँ पर वेरीफाई करना है आपको, जो ओटीपी आएगा आपके मोबाइल में उस ओटीपी को यहाँ पर पहले वेरीफाई करना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद वेरीफाई का पर क्लिक करेंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर बैंक डिटेल और यहाँ पर बैंक डिटेल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और जो भी बैंक है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिसकी स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है, पंजाब नेशनल है पंजाब नेशनल आपको सिलेक्ट करना है, उसके ब्रांच नेम, उसके बाद अकाउंट नंबर आपको डालना है, और अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको सभी डिटेल यहाँ पर फिल करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर और उसके बाद पुत्री का नाम, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको पुत्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसके यहाँ पर ऐड होना चाहिए और पहले नाम यहाँ पर जुड़ना चाहिए आपके, जिससे राशन कार्ड में ऐड होता है वैसे इसमें श्रमिक कार्ड में ऐड होता है यहाँ पर इस तरह का। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पर विवाह हो चुका है, रोजगार द्वारा शिक्षा आप जो भी है यहाँ पर कर रहे हैं, अध्ययन का प्रकार, ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जन्मतिथि यहाँ पर सभी डिटेल डालकर आपको क्या करना है, पंजीयन परिचय पत्र, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद उपघोषण प्रमाण पत्र, ये जरूरी नहीं है, और इसके बाद जैसे पुत्री का आधार कार्ड, दसवीं की उत्तीर्ण की जो होता है उसकी अनुसूची, और उसके बाद नियोजन का प्रमाण पत्र और पुत्री के बैंक पासबुक कॉपी, यहाँ पर आपको इस तरह का आपको यहाँ पर क्या करना है। और इसके बाद जो यहाँ पर आपको योजना का राशि लिखा है, बस इस योजना का राशि इस तरह है जिसमें आपको यहाँ पर कैप्चा दिया, उस कैप्चा को डालकर आपको सुरक्षित कर देना है। दोस्तों सुरक्षित करने के बाद एक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद क्या होगा, जब आपका यहाँ पर जो भी आपके आसपास में मित्र रहता है जिसे श्रमिक मित्र बोलते हैं उसके पास जाएगा, उसके पास डिटेल जाएगा, वो आपका अनुमोदित करेगा आपका जो भी फॉर्म है, वो आपको चेक करेगा कि सही है, चेक करने के बाद जो भी यहाँ पर आपका हेड जो डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पर जाएगा और फॉर्म वहाँ पर भी चेक होगा, अगर सही होता है सब डिटेल सही पाया जाता है तो आपके अकाउंट में कम से कम एक महीने के अंदर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह का है दोस्तों, और किसी प्रकार का आपको समस्या है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।